As a screenplay writer after I think almost 17 years. So what took you so much time to write for films, I mean, in that way? मैं मुझे कोई employment ही नहीं मिली, किसी ने नौकरी दी नहीं उसे, till I met राकेश शुक्रे के, इन्होंने रख लिया मुझे, और now I don't want to leave his team, मैंने तो इनसे कहा कि मुझे adopt कर लीजिए अब आप. We'll take the last question. Yeah, it's me. गुलजार साहब, जो मैं 35 साल से आपके साथ struggle कर रहा हूँ, और आप please इन पूरे audience को और media को बताइए कि मैं कितने साल से कह रहा हूँ कि मुझे एक फिल्म में ले लीजिए. कितने साल से बोल रहा हूँ आपको मैं? Almost 32 years, 33 years, 34 years. 34 साल पहले, 34 साल पहले मैं आपके घर आया था. वो 7 दिन बन रही थी, मैं गुलजार साहब के पास गया था और मैंने कहा कि मेरे साथ एक फिल्म बनाई, आज तक नहीं बनाई उन्होंने. इसका जवाब चाहिए मुझे आज. अच्छा, चलो, थैंक यू वेरी मच. एटलीस्ट आपने मेरे बेटे के लिए बना दी. थैंक यू. अच्छा देखिए, कई बार कुछ जवाबदेही सवाल, कुछ पाप, कुछ प्रायश्चित कई जनरेशन तक चलते हैं, है ना? और गवाह आपके सामने बैठे हैं. हर्ष से पूछे शाम को, मैंने यही बात इनसे कही थी कि वो मुझे मेरी पिटाई करने वाले हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं मेरे साथ काम किया जब मेरे बेटे के साथ कर रहे हो. मैंने शाम को आपसे जिक्र किया तो मैं कहा अनिल आएंगे तो पिटाई करेंगे. अरे उन्होंने कर दी, ये देख ली अब सबके सामने. लेकिन सिर्फ यही है कि मैं आप हर्ष को भी यही बता रहा था, मैं कहा समहाउ आई केप्ट मिसिंग हिम, कहीं ना कहीं. अब आई मिस हिम इवन नाउ व्हेन आई डोंट सी हिम, दैट मिसिंग इज सेपरेट. लेकिन कास्टिंग में आई केप्ट ऑन मिसिंग हिम बिकॉज आई वाज नेवर अ प्रोड्यूसर, एंड नौकरी करता था एज ए डायरेक्टर ऑल्सो, तो दूसरों के लिए बनाता था. तो समवेयर आई केप्ट, बल्कि वो ब्रिम तक पहुंच के भी वो मिस कर गया मैं. आई विश यू हैड एम्प्लॉयड मी वंस. राकेश जी, नहीं नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू एड टू दिस, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस टॉपिक. और मेरे से कई पूछा जाता है ये भी कि आपने सोनम के साथ दो फिल्में की, अब हर्ष के साथ कर ली, आप अनिल कपूर के साथ कब करेंगे? तो जैसे ही वो 18 साल के हो जाएं एक फिल्म बना लेंगे. आई डोंट वर्क विद माइनर्स, ही हैज टू बी एन एडल्ट फर्स्ट, देन आई विल मेक अ मूवी. राकेश जी, आपने जैसे कहा कि मिर्ज़िया के जो मिर्ज़िया के सोहेलिया अगेन साहिबा जो तीर तोड़ देती है, उसका जवाब आपने कैसे दिया? आई डोंट नो इन द फिल्म. और दूसरी बात है कि वो जवाब मिलने के बाद किसे कास्ट करना, हाउ वाज दैट जर्नी एक्चुअली, नो मतलब टू टेक अप. फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली अमेजिंग. बट यू हैड इट इन माइंड, यू हैड इट इन माइंड के यू वांटेड अ न्यू कमर, और हर्ष आपके ध्यान में था पहले है, वो जर्नी के बारे में कुछ बताओगे सर? यू नो, हम लोग सोचते हैं, कई बार सोचते हैं, और ये मेरी पांचवी फिल्म है, ज्यादा नहीं बनाई मैंने 15 साल में. कई बार सोचते हैं दिस वर्ड कॉल्ड आई डिड दिस, आई रोट दिस, आई डायरेक्टेड इट, आई कास्टेड हिम, आई थॉट ऑफ दैट, दिस इज माई ट्यून, ऑल दैट. नॉट रियली. आई फील दैट This is somewhere there is destiny, and somewhere the right thing has to happen if you trust something which is larger than you. So I always trust that, and that might sound like philosophy to you, but on a practical, on a logistical way, I trust my instincts a lot, and that small voice inside you is actually the loudest. Normally we let it drown in this whole confusion around us, lot of noise. My instincts took me to his door. He lives just 30 meters away from him, but it took me 35 years. My instincts took me to both of them, and destiny brought us together. It was instincts, nothing else. I can give you 101 reasons. I won't be able to sleep tonight by giving those reasons, because I'll feel I haven't told you enough. There is something more. We just didn't make a film together. We spent the last 3 years together. Our life is today less by 3 years since we first met.
So there's a lot more than that. I wish I'll be able to explain it to you. Gulzar, better someday, one of these days in my office, over coffee, over a drink, whatever. My question to Gulzar Saab and Rakesh is, how has tragedy influenced the greatest of love stories and turned them into epics, whether it's Romeo and Juliet, Heer Ranjha, and now it's MIRZYA and many more. But do you think tragedy has influenced to make love stories kind of, you know, great. मुझसे पूछ रहे हैं आप या राकेश जी से? या बोथ ऑफ यू आई मीन नहीं दोनों कैसे जवाब देंगे? ओके देन यू प्लीज एज अ स्क्रीन प्ले राइटर या यू वन एट अ टाइम. अच्छा क्या सवाल क्वेश्चन प्लीज. हैज ट्रेजेडीज इन्फ्लुएंस्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ लव स्टोरीज whether it is Romeo and Juliet. So when it's a happy ending, it's not so much fun for our friend. सिर्फ यही है कि ये सवाल कई तरह से पूछा जाता है जो मुझसे भी पूछे गए कि ट्रेजेडीज क्यों है, सारी ट्रेजिक क्यों है वो जो लव स्टोरीज हैं, और या वही क्यों मनाई जाती हैं जो ट्रेजेडी. उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो उदासी बहुत देर तक सुलगती है, खुशी उतनी देर तक सुलगती नहीं है. खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है, खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है और खत्म भी हो जाती है, उसकी रौनक भी उतनी ही देर रहती है. लेकिन अगरबत्ती अगर जलाएं तो उसकी खुशबू देखिए कब तक रहती है और सुलगती रहेगी, वो सुलगती रहेगी. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ हैप्पी एंडिंग एंड अ सैड एंडिंग. क्या बात है. ये कहानी का जवाब का एक रुख था, मेरा ख्याल है दूसरे रुख के पूछ लीजिए, जवाब देने की जरूरत तो नहीं मैं समझता. और वरना ये कि जहाँ हैप्पी एंडिंग में ये भी हुआ कि और उसके बाद आप कहानी में लिखेंगे कि अच्छा फिर उनके 3 बच्चे हुए, फिर क्या करेंगे आप, है ना. लैला मजनू की कहानी ले लीजिए क्या, और फिर 3 बच्चे हुए और उसमें से एक तो ऊँटों का व्यापार करने लगे, एक भाग गया घर से, तो ये लॉस द इंटायर थिंग है ना. वो लैला मजनू की कहानी कहिए ना आगे, उसका एंड बदल के देखिए, तो यही होगा. और ये तीसरा भी दुकान पर बैठता है. तो वर्कआउट अ स्टोरी एंड यू विल नो इट फॉर योर सेल्फ. वो बस वो, अब आप समझ गए कि जो क्वेश्चन गुलदार जी से करना था. मैम आई एम सो सॉरी, वी एक्चुअली रन आउट ऑफ टाइम और बहुत भूख लग रही है हम सबको. जी बस एक सवाल गुलदार जी से करना था. गुलदार जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सभी लिखने पढ़ने से जुड़े हुए लोग हैं, और हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हम उस देश में लिखते हैं जहाँ गुलदार साहब की लिखी है. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो आप हम लोगों को गाइड कर सके, कि आपने आपकी जो रचनाएं हैं वो बहुत बहुत ही सादगी में बड़ी बातें बोल जाती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाषा से ज्यादा भाव की जरूरत होती है लिखने के लिए? देखिए, इसमें एक सवाल के अंदर एक सवाल यह है कि बड़ी बात है और सादा जबान, दो सवाल में दो हिस्से हैं कि बड़ी सादा जबान और बड़ी बात. सादा जबान सिर्फ मैं ये डिफेंड कर सकता हूँ खुद को और कह सकता हूँ कि जो बोलचाल की जबान है, जिस जबान में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोशिश होती है कि मैं उसी जबान में कहूँ जो आप तक पहुँच जाए. और मुझे कोई उसका कोई थ्योरम नहीं बनानी है, कोई स्कॉलरली उसके कि कोई PhD करना है तो मैं बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करूँ. कोशिश है कि जिस जबान में फिल्म लिखी जाती, जिस जबान में किरदार बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं, उसी जबान में बात की जाए, जैसे इस फिल्म के भी है. और ये कि जो जबान कम्युनिकेट करती है वो सादा से सादा जबान में, वो जबान है जो हम आपस में बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जबान वही रहती है. नाउ बड़ी बात जो है वो बड़ी बात आपका अंदाजा है, मैं बड़ी सोच के नहीं लिखता उसे कि ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं. मैं जो बात एक्सपीरियंस है या जो जिस एक्सपीरियंस से गुजरता हूं उसे बड़ी ईमानदारी के साथ वही कहने की कोशिश करता हूं जो महसूस करता हूं. अब वो बड़ी है या देर तक रहने वाली है ये तो वक्त बताता है, तो वक्त के साथ ही, वक्त इज द बेस्ट टेस्ट. तो बस उतनी सी बात है, वो बड़ी है तो शायद आपको बहुत बड़ी लगी हो, अब किसी को बिल्कुल अच्छी ना लगी हो, ये भी होता है.
क्या बात है और वक्त के साथ ही हमें चलना चाहिए. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया. आई नो यू नीड मोर पिक्चर्स.